धनंजय सिंह बाहुबली राजनीति का जाना पहचाना नाम है। उनके ऊपर हत्या और लूटपाट के कई मामले भी दर्ज हैं। साल 2018 में बागपत जेल में मारे गए बदमाश मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने अपने पति की हत्या की साजिश में धनंजय सिंह के शामिल होने का आरोप लगाया था। साल 2017 विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक धनंजय सिंह पर 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा बाहुबली धनंजय सिंह 5 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति के अकेले मालिक हैं। क्या आपको मालूम है धनंजय सिंह का कभी एनकाउंटर भी हुआ था और उस एनकाउंटर में धनंजय सिंह मारा गया था? जी हाँ, साल 1998 तारीख 17 अक्टूबर पुलिस को सूचना मिली कि 50,000 का इनामी वांटेड क्रिमिनल धनंजय सिंह 3 लोगों के साथ मिलकर भदोही मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप को लूटने वाला है। जिसके अनुसार पुलिस ने दोपहर 11:30 बजे पेट्रोल पंप पर छापा मारा और 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने इन 4 में से एक को धनंजय सिंह बताकर मृत घोषित कर दिया। लेकिन सच ये है कि धनंजय सिंह जिंदा और फरार थे, लेकिन कई महीनों तक अपनी मौत की खबर पर चुप बैठे रहे। फरवरी 1999 में जब वो पुलिस के सामने पेश हुए, तब भदोही फेक एनकाउंटर का राज खुला। धनंजय के जिंदा सामने आने के तुरंत बाद मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी और बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। इस केस की सुनवाई भदोही की स्थानीय अदालत में अब भी जारी है। न्यूज़ डेस्क।